हेलो जी, क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपके साथ ये है कि नई नई वीडियो लेके आती हूँ और आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियोस पसंद भी आती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, आपके साथ बातें शेयर करना, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक मेरा बहुत मज़े का है और बहुत अच्छा है, जिस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में लोग इतने ज़्यादा ड्रामे करते हैं और वो ड्रामे करके लोगों की इतनी ज़्यादा सहमभूति भी ले रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा उसको कर रहे होते हैं कि हम ऐसे हम वैसे ये वो। और एक मिनट में भी आती हूँ। तो एक जगह वो कह रहे होते हैं, और हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर में तो मंजे हैं और बहने को बिस्तरा भी नहीं हैगा, बेड नहीं हैगा, कोई भैन पड़ा हम लोगों को कपड़े दे दवे, ते कोई भैन पड़ा हमको वो की सीगा पेटा लैके दे दवे, स्पिनरी दे दवे, साढ़े हालात इन्ने चंगे नहीं हैगे, मैं कोई जॉब भी नहीं करता हाले, मेरा बस ढेडे ढेड वड्डा ते मोई मोह वड्डा वा, जदों तो यूट्यूब की कमाई आन लगी है ते एक जगह ते सिर रोंदे पिटदे आ कि साढ़े को खाने लिए भी बस थोड़ा जिहा ही अमाउंट है ते राशन पानी हैगा, ते दूजी जगह असी अपने गंदे ये घर विच बह के दहांदे आ कि असी बहुत गरीब हाँ, सीमटा दा साडा फर्श है, ते असी घर ही अपने पालक भी उगाई हुई है जो अपनी कट लेंदे हैं, ते ऐ सानू पता लग ही गया होएगा मैं किस दे बारे च गल करदी पई हाँ। ये है बिना गर्दन वाला गिटक गिटकू गिट्ठू आदमी, नसरुल्ला वीर। कोई हैरानी की बात नहीं थी, नसरुल्ला वीर अपनी वीडियोस डाल रहा था जैसे चल रही थी। हैरानी की बात उस दिन मेरे लिए हुई जब मैंने एक वीडियो देखी कि जी नसरुल्ला ने जी अपनी एक कार लेके आया है जो कि इस टाइम काफी महंगी है, आई थिंक न्यू होती है ये, मुझे नहीं पता। वो कार लेके आया जो कि काफी महंगी है इस टाइम, और उसने कहा ये कार मेरी है, मतलब ये कार उसकी है, उसके पास तो खाने को नहीं था, इतनी महंगी कार ले आया, उसके पास रहने को अच्छा घर नहीं है, तो कार कहाँ करेगा भाई, मतलब इतने ज्यादा उसके पास पैसे आ रहे हैं यूट्यूब की कमाई से तो ये तो वो कार ला रहा है। देखिए ना, अब एक बंदा पहले कह रहा था कि कुछ इसकी पुरानी वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें ये, मतलब पहले बात तो ये कि ये कह रहा था कि मैं जो भी यूट्यूब की कमाई आ रही है उनकी कुछ शॉप्स ले रहा हूँ क्योंकि ऐसी कमाई का एतबार कोई नहीं है, हराम की कमाई कदों आई कदों गई कोई पता लगना, तो मैं उनकी ना शॉप्स वगैरह ले रहा हूँ, मतलब मैं जायदाद वगैरह बना रहा हूँ कि आज है आज तो कल नहीं होगी। अच्छा जी, उस बंदे ने ये काम तो सारा कर लिया, लेकिन ये है कि अगली बात ये कि उस आदमी ने जायदादें बनानी शुरू की, क्योंकि पेंडू लोग हैं, पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि अकाउंट्स वगैरह अपने बना नहीं सकते, वैसे भी जितने उनकी अमाउंट आ रही है उस हिसाब से तो अकाउंट्स में मेरे ख्याल से रखवा नहीं सकते, क्योंकि धड़ाधड़ उनको पैसे आ रहे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन चलिए तो हमारे नजर में है ना जो चैनल उनके चल रहे हैं, मुझे जहां तक चल लग रहा है कि उनके पांच पांच छह छह चैनल और भी एक्स्ट्रा चल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज चल रहे हैं कल चल रहे हैं बेईमानी के साथ, क्योंकि रोजाना तो हर वक्त बेईमानी भी नहीं हो सकती और कितनी देर बेईमानी हमारी चल सकती है, तो आज जितने टाइम है इसमें हम उतने ही ज्यादा खा पी लें बना लें, ये वो चक्करों में है। अगली बात ये है कि इस बंदे की मैंने काफी देर पहले वीडियो देखी थी, उसमें ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को मतलब लाचार बेचारा बना रहा था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, ये है वो है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती जब इस बार कुछ नहीं है तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से आ गई, जो तुम्हारे पास भाई कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से आ गई। थोड़े दिनों पहले कुछ दिन हुए हैं उस वीडियो ने अपलोड की जिसमें पालक काट रहा था, तो उसमें हिब्बा बेटी ने जी एक सूट पहना हुआ था, तो माँ ने भी सूट पहना हुआ था, तो हिब्बा बेटी का सूट नहीं है, कोई ऐसी इनकी बहस चल रही थी, तो आगे से जी कहती उसकी माँ जी मेरा सूट तो 3 साल पुराना हुआ था, हिब्बा बेटी ने हूं कढ़िया वैसे लेना तो सूट नया, मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हिबा बेटी का सूट पुराना हो गया और तुम्हारा सूट नया हो गया, मतलब ये तुम बैठ के सुना रही हो कि यहाँ पे लोग हम लोगों को कपड़े वगैरह दे, ओ बहन तुम्हारा तो आदमी बाहर गाड़ियां ला ला के खड़ी करा, आई थिंक न्यू, तो तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी यहाँ पे आके बातें करने की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम लोग इतने पैसे के, तुम लोग देखिए पहले तो बंदा एक अपना घर बनाता है, घर बना के उसके बाद जो इनकम होती है उसको स्टोर करता है कि जी आने वाली जिंदगी में काम आए, ये तो बाकी कार हो गई, ये ऐसी चीजें हो गई लग्जरी आइटम्स, ये बंदा बाद में जाता है इनकी तरफ, शुरू शुरू में बंदा नहीं जाता है कि नहीं पहले अपने बाकी चीजें बाकी अखराजात अपने पूरे करने हैं उसके बाद ही हम निकलना है, इतना ज्यादा मतलब इनके घटिया माहौल है, मतलब एक चढ़ चढ़ के चार पाई पे वो गिटकू बीड़े आदमी ने चढ़ चढ़ के जाके वो कोप्स कोई टॉपस टूपस ढूंढ रहे थे जी, शादी पे पाने थे उन्होंने तो वो कोके थे जी नकली हिब्बा बेटी ने पवाने थे जी, उन्होंने फुल वीडियोस पे बना ली,
तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो, क्या तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग इतना पैसा तो क्यों तुम लोग ड्रामा करे, शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को, ऐसी हरकतों से बाहर आ जाना चाहिए, ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगर तुम लोग के पास है तुम लोग वो खाओ, क्या जरूरत है तुम लोग को लोगों से मांगने की। तो ऐसी हरकतें ना करेगी अगला बंदा भी बुरा महसूस करे, तो तुम लोगों तो शर्म ही आवाज़ खत्म ही हो गई, बेशर्म तुम लोग लोगों को बगैर तो की तरह तुम लोगों ने तो खाना ही खाना है पैसा। चलो तुम लोग खाते रहो, मेरा तो काम था ये वीडियो पहुंचाना लोगों तक, तो मैंने पहुंचा दी। फिलहाल आप लोग मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपके साथ नई वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।